सर पुराने जमाने में होता था राजा का बेटा राजा, आज के जमाने में जनता राजा, जनता जिसे बताई हुई देगा और ये फैमिली पॉलिटिक्स है ना ये खत्म हो जाएगी। हाँ अगर किसी फैमिली में कोई काबिल है तो आगे चलेगा, अदरवाइज आज के दिनों जनता राजा है, उसको बताएं किसके ऊपर बताना है किसको काम है, बिकॉज वोट तो जनता को जान देना है और जनता ही राजा है मेरे। किसी गैंग साथ से आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पार्टी कहीं उन मुद्दों से पीछे जा रही है जो इस देश की यथार्थ जरूरतों में लगे हैं? भारतीय जनता पार्टी सर पीछे तो नहीं जा रही, और जैसा आपको लगता हो इस वजह से कि हर परिवार में मतभेद रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जो सबको साथ लेकर चलता है। ये वन मैन आर्मी नहीं है, मोगैम्बा का शो नहीं है, कौन नहीं रहा कि मोगैम्बा को शो कर गया, तो इसलिए आपको लगता है। लेकिन पार्टी अपने मुद्दों पर आज भी कायम है, और जब हमारी सरकार बनेगी अगले लोकसभा चुनाव में तो आपको साबित हो जाएगा कि पार्टी अपने मुद्दों पर है और मुद्दों से चल रही है। अरे जी अभी कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हावी होगी पूरे हिंदुस्तान में, पॉलिटिकल पार्टीज जो टिकट बांटती हैं तो उसमें रेशियो क्या होता है, इतने परसेंट क्या करते हो, इतने परसेंट लोगों को, इतने परसेंट ब्राह्मणों को, इतने परसेंट जनता को, इतने देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि नई पीढ़ी को इस तरह की पॉलिटिक्स के साथ जुड़ना क्यों होगा? सर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का फ्यूचर तो जीरो है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर कास्ट है सारी कास्ट के साथ रहेगी। आजकल तो परिवार में भी इकट्ठे नहीं होते, तो एक कास्ट इकट्ठा होने का संभव समझता हूँ। ये पॉलिटिक्स नेगेटिव पॉलिटिक्स है, अगर कोई ऐसा करता है तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर डिपेंड नहीं करती, और अगर किसी को नेता बनना है जीतना है तो सबकी जरूरत है, छत्तीस बराजी की जरूरत है, जो साथ लेकर चलेगा वही आएगा सफल रहेगा। देखिए अभी फरीदाबाद में पानी की बहुत किल्लत महसूस हो रही है, नगर निगम के चुनाव जीती, क्या आप महसूस करते हैं इसमें किस तरह का सिनेरियो यहाँ रहने वाला है, पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह का रहने वाला है? सर पानी की समस्या इतनी गंभीर समस्या है यहाँ पे कि सबसे बड़ा मुद्दा ही पानी रहेगा सारे चुनाव में, और जो ये बेड़ा गर्क किया हुआ है ये ठेकेदारों को और सरकार का मिली वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है, कि वो सूखे पड़े हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, मोटर जली पड़ी है उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, जो जमुना का रेनिवल वाटर सप्लाई वो प्रॉपर हो नहीं पा रहा। इसके लिए तो सर एक लीडरशिप चाहिए और एक ऊपर एक नेता स्ट्रांग चाहिए जो उनका अकाउंटेबिलिटी दे सके, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वाला नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, जनता के बुरा हाल है और अफसर साहब मस्त है। पिछले दिनों फरीदाबाद में एक बात होगी कि फरीदाबाद में मेयर का चुनाव डायरेक्ट कराया गया, मतलब आरबी सीधा मेयर के लिए हो जाए, आपको क्या लगता है वो वाला सिस्टम ज़्यादा ठीक है या ये जो सिस्टम पार्षद बने और पार्षद मिलकर मेयर चुने ये ज़्यादा ठीक है? नहीं दोनों सिस्टम अपने यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, अगर डायरेक्ट चुना जाएगा मेयर तो जनता डायरेक्ट मेयर को पता रहेगा हमारा मेयर कौन बनने वाला है, और अगर ये पार्षद चुनते हैं तो जनता ही चुन के भेजती है पार्षदों को भी, अब उन्हें अपने पार्षद भरोसा होना चाहिए कि हमारा पार्षद एक सही मेयर चुनेगा, ये मैं इस नजरिए देखता हूँ, दोनों ही सही है, ये तो अब जनता या सरकार ही फैसला करेगी सर कि क्या होगा। फ्यूचर में आप इंडियन पॉलिटिक्स को किस ओर जाते हुए देखते हैं? सर इंडियन पॉलिटिक्स अब यंग ब्लड आ रहा है पॉलिटिक्स में, एक पॉलिटिकल विल जागने वाली है इंडिया में, अगर युवा ऐसे आगे आते रहे तो इंडिया डेफिनेटली तरक्की करेगा, और पिछड़े मुद्दे जो हमारे जो पॉलिटिशियन जो बाबा आदम की जमाने की बातें करते हैं जैसे हमारे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। युवा किसके, बीजेपी के युवा या कांग्रेस? नहीं सबके युवा, कांग्रेस में युवा है नहीं सर, कांग्रेस के युवा कैसे आए, राहुल गांधी आए मानने राजीव गांधी की मृत्यु के बाद, हमारे सचिन पायलट जी आए राजेश पायलट जी के मरने के बाद, सिंधिया साहब आए उनके पिताजी के मरने के बाद, तो कांग्रेस ने युवा तो दिए नहीं, कांग्रेस ने परिवार कराया, युवा है हमारे अरुण जेटली आए इन चीज़ों पर, वरुण गांधी के फादर पॉलिटिक्स में थे उनको खत्म कर दिया कांग्रेस ने, उनको जीरो से बीजेपी ऊपर लाया, ये है युवा, सिंधिया जी आए बड़े सिंधिया जी के आने बाद, तो युवा तो कांग्रेस ने दिए नहीं, कांग्रेस ने गद्दियाँ फील करी हैं, अच्छा आप नहीं है तो आपके परिवार में ये गद्दी फील कर लिया, युवा दिए भाजपा ने जीरो से ऊपर उठाया, अरुण जेटली जी हो गए, अब सुषमा जी को अपनी युवा निभाया जाएगा, लेकिन सुषमा जी भी युवा पीढ़ी से आई थी, नरेंद्र मोदी जी युवा पीढ़ी से आए थे, ये पहले से पॉलिटिक्स में नहीं थे, ये नीचे से उठ के आए, तो भाजपा ने युवा दिए हैं और भाजपा के युवा देश को तरक्की करेंगे और आगे बताएंगे, और आने वाला जो भारतीय जनता पार्टी या हिंदुस्तान में टाइम है वो सुनहरा है, खराब नहीं, जितना खराब होने का हो लिया इससे वर्ष नहीं होगा। वॉइस ऑफ फरीदाबाद के साथ बातचीत के लिए आपको